पर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? विमान से। चल हम दोनों मिलकर विमान बनाते हैं। एक मिनट, काय विमान? हाँ, जैसे पुष्पक विमान। हाँ, जिससे लोग सफर करेंगे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वो उड़ान खटोला, उड़ान खटोला। अरे नहीं, वो जैसे पानी में तैरता जहाज, हवा में तैरने वाला हवाई जहाज। अरे क्या बोला तू? हवाई जहाज। हवाई जहाज, वाह क्या नाम दिया तूने। यस, हवाई जहाज। हाँ, फिर मैंने चढ़ाव को गई। दुनिया में आज तक किसी ने हवाई जहाज नहीं बनाया है। काय मानुस है। गरीब आ चुका हूं लेकिन अभी बहुत दूर हूं। ये अंग्रेज नहीं चाहते कि मेरी खोज पूरी हो, कभी भी मुझे जान से मार देंगे। एक विमान के लिए जान को खतरा? शायद लोगों के लिए एक महज विमान होगा, एक वैज्ञानिक करिश्मा, लेकिन ये सब मेरे लिए एक इनकलाब है। ये उम्मीद की वो किरण है जो इस गुलाम मुल्क के लोगों को हौसला देगी कि हम हिंदुस्तानी भी किसी से कम नहीं, हम भी आजाद हो सकते हैं। ये हमारे पांव तो बांध सकते हैं जमीन पे, पर ये हमें कैसे रोकेंगे उस खुले आसमान में उड़ने से? देखना शिमी, हिंदुस्तानी उड़ेगा एक आजाद कल की तरफ। दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला आदमी होगा एक हिंदुस्तानी। ये मेरा सपना है, तू देखेगा अपनी आंखों से मेरा ये सपना देखेगा। चल। अभी जम चल जा। क्या बात है? अरे खड़ा हो जा, चश्मा पहन ले। शास्त्री जी, आपका असिस्टेंट मैं और मेरा असिस्टेंट? मतलब तुझे भी एक शिवी चाहिए? हाँ फिर, मगर कौन? शास्त्री जी मैं, और कौन? वाह, वाह,
ये तो वही किताब है ना? किताब नहीं, नुस्खा है। हवाई जहाज बनाने की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें हैं इसमें। आज तक किसी को बताया नहीं, कोई मिला ही नहीं भरोसे को। स्टीम इंजन बनाया, फिर हीलियम से, फिर नाइट्रोजन से कोशिश की, सब बेकार। बचा गैसोलीन। नहीं, इस किताब की नहीं, मुझे आपकी जरूरत है शास्त्री जी। आप दवा देते जाइए और मैं कंपाउंडर बन के शीशी भरता रहूंगा। देख, चाहे कुछ भी हो जाए, ये किताब अंग्रेजों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो कहानी सुनी थी राक्षस की, जिसकी जान तोते में कैद थी। हाँ। इस राक्षस की जान इस तोते में है। ये है तो मैं हूं, ये खत्म, मैं खत्म। हेड्स, ये भवंडी है, हर बार आप जीतते हैं। देख, उछालना हमारे हाथ में है, लेकिन ये छिटपट उसके हाथ में है। जिस दिन तेरे उड़ने का वक्त आएगा ना, तो ये भवंडी तेरे हाथ में जरूर होगी।